अजय बीएचपी का कहना है, विश्वविद्यालय परिषद का कहना है, जिस तरह से जो लोग इस तरह के विज्ञापन बन रहे हैं और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स अमेजॉन के द्वारा, इससे हिंदू खतरे में आ रहा है, हिंदू की मर्यादा भी आ रही है। हिंदू कभी खतरे में नहीं था, ये इनके पद खतरे में है और इसलिए उनको लगता है कि हिंदू खतरे में है। जब जब चुनाव आता है हिंदू खतरे में पड़ जाते हैं। अरे कितने संस्कृति और कितने देश दुनिया के मानचित्र में आए वो मिट गए, लेकिन भारत का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं हुआ। हिंदू कभी खतरे में नहीं आए, चाहे कितने आक्रमणकारी आए, कोई भी परिस्थिति बनी, कभी हिंदू खतरे में नहीं था। आज कैसे खतरे में हो जाएगा स्वतंत्र देश में? ये केवल देखिए, इनके पास दुख की बात यह है कि ये भय दिखा के अपने साथ करना चाहते हैं, लालच दे के अपने साथ करना चाहते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके पास योजना क्या है। यदि हिंदुओं के हित में इन लोगों ने क्या फैसला किया है जो आगे बढ़ सके, इनके पास कोई योजना नहीं है, केवल भय है, भय दिखा के अपने साथ रखना चाहते हैं। लगातार उनकी कोशिश, मैं क्या बोल रहा हूं, इनके पास कोई योजना नहीं है भाई। 10 साल से उनकी सरकार है, हिंदुओं को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया? केवल ये बताया कि केवल लव जिहाद हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, डर दिखा दिखा के ये वोट कबाड़ने का काम कर रहे हैं। हिंदुओं तो कुछ मिला नहीं और सत्ता इनको मिल गई, तो सत्ता प्राप्त करने के लिए हिंदुओं को डराने की बात करते हैं। नहीं नहीं, आपको पता नहीं है, आप चुनावी राज्य में जाइए, चुनाव जैसे चुनाव होता है जिस राज्य में, वहां ये पहुंच जाते हैं और इसी प्रकार से राग लापते हैं। ये टेप रिकॉर्ड है, दबाव तो वही निकलेगा, वो चाहे उत्तर प्रदेश हो, आसाम हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे हिमाचल हो, जहां जहां चुनाव हुए वो टेप रिकॉर्ड दबा दीजिए, वही बजेगा। तो अब छत्तीसगढ़ में चुनाव है तो छत्तीसगढ़ में बजेगा। डॉक्टर रमन सिंह कह रहे हैं कि कांग्रेस से लड़कर हमें दूसरी आजादी मिली और वर्तमान सरकार आतंक की बात पर सरकार था। हाँ, देश तो आजाद 2014 में हुआ, उसके पहले तो गुलाम था, और ऐसे बच्चे को सिखा रहे हैं, परीक्षा देते हैं तो वही लिख के आते हैं।